अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जमील और आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो है चंपा। चंपा का पौधा जो है ये साउथ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान इन एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है। इसकी कल्टीवेशन भी की जाती है और ये पौधा गमलों में भी ग्रो होता है और ये मिट्टी में ज़्यादा अच्छा ग्रो होता है और ये बाकायदा गर्मियों का एक फूल है। अच्छा, इसके अलावा इसके जो फूल हैं दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ इनकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, चमेली के फूलों की तरह या यूँ कहें रात की रानी की तरह इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। और जब भी ये प्लांट आपके घर में उगा हुआ हो, फूल निकले हुए हों, तो स्पेशली जो शाम और सुबह का वक्त होता है या रात का वक्त जिसमें नमी ज़्यादा होती है उसमें बहुत ज़्यादा आपके घर में फ्रेगनेंस मौजूद होती है। अच्छा, चंपा को ग्रो करने का तरीका यह है कि आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसके बीजों से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करने के लिए आप इसको गर्मियों के सीज़न में पोरस मिट्टी लें इसकी, और इसके अलावा ये बेसिकली इसका जो टिम्बर है ये आप ट्रंक देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा इसमें पानी की मकदार ज़्यादा होती है, तो इसको कटिंग से लगाने के लिए पहले इसको कटिंग इसकी लें और कुछ देर के लिए इसको खुश करें ताकि इसकी जो नमी है एजेस के ऊपर वो ख़त्म हो जाए। अगर आपने डायरेक्ट लगा दिया तो उसकी नमी जो है वो उसको काई फफूंदी या कोई बीमारियाँ भी लग सकती है, इसलिए पानी को ख़त्म करना ज़रूरी है। अच्छा, मिट्टी इसकी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी पोरस इसकी होनी चाहिए और इसको ग्रो करने के लिए इसको आप मिट्टी में जब लगाएं तो मिट्टी हल्की हल्की नमी रहनी नम रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली ना हो। और इसकी जो केयर है इसको खाद दें, इसकी गुडाई करें बाई वीकली, मतलब हर दो हफ्तों बाद आप इसको खाद दें और खाद कोशिश करें कि नेचुरल खाद हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इसको DAP ज़्यादा दें। ज़्यादा से मुराद यूरिया आप इसको ज़्यादा ना दें, कम दें, क्योंकि यूरिया गर्म खाद है, या ऑलरेडी गर्मियों में ग्रो कर रहा है तो गर्मियों में यूरिया या जो गोबर खाद है उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो रीपॉटिंग है गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट करने का है वो आप गर्मियों में करें और उसके बाद 3 से 4 दिन इसको ठंडी, और ठंडी से मुराद सायादार छांव वाली जगह पे इसको रखें ताकि डायरेक्ट सनलाइट में अगर इसको रख दिया गया तो ये थोड़ा इसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि पौधा ऑलरेड़ी रिपोर्टिंग की वजह से या जड़ें विजिबल होने की वजह से शॉक में होता है, तो इसको मज़ीद अगर आपने इस धूप में रख दिया तो थोड़ा ग्रो इसकी मुतासर हो सकती है इसकी ठंडी जगह पर रखने के बाद। अदरवाइज़ इसकी जो ग्रो है वो आप धूप में इसको रखें। व्यूअर्स, जितने भी फूलों वाले पौधे हैं वो धूप में अच्छा ग्रो करते हैं, चाहे वो सर्दियों में हो चाहे गर्मियों में हो। फूल निकालने के लिए किसी भी पौधे को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये पौधा गमलों में भी ग्रो होता है लेकिन जब इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है तो आप इसको फिर निकाल के ज़मीन में शिफ्ट कर दें। ज़मीन में ये बाकायदा एक दरख्त बन जाता है और कुछ जगहों पे तो इसकी लकड़ी भी इस्तेमाल होती है, बड़ी इसकी अच्छी लकड़ी होती है, टेक्सचर लकड़ी होती है, वो घर में फर्नीचर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होती है। व्यूअर्स, मेरे पास अभी इसके लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।